नमस्कार। इट्स अ प्रिविलेज एंड एन ऑनर एंड आई कैन टेल यू हाउ ऑनर्ड आई फील एट द मोमेंट बीइंग आई थिंक द यंगेस्ट इफ नॉट देन एटलीस्ट वन ऑफ द यंगेस्ट म्यूजिशियंस सिटिंग हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म वेयर सिंस अर्ली मॉर्निंग the gods and goddesses of you know young musicians like me they've been performing since morning and even last year yahan pe jin jin kalakaron ka ye manch pe prastuti aap sabne yahan pe witness kiya hai uske baad main bilkul is manch pe baithne ke layak nahi hu thanks to durga ji's love shashi ji's love that You know, they thought, they believed in me. They thought I'm somewhere eligible to be on this platform is a blessing in itself. और आप सब ने और एक बार यहाँ पे उपस्थित होके अपने आशीर्वाद का अपने भरोसे का अपने विश्वास का मुझे एक बार और अपने संगीत से आपको सेवा करने का मौका दिया है इसीलिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ और यहाँ पे जो सीनियर म्यूजिशियंस बैठे हैं देख लीजिए प्रणाम सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सबसे इजाज़त लेके आज्ञा लेके आप सबसे आशीर्वाद प्रार्थना करके राग जोग शुरू करते हैं और उसके बाद मुझे पता नहीं आज ठुमरी गानी चाहिए या नहीं चाहिए शायद नहीं चाहिए अच्छा शुरू से हाँ अच्छा बाप रे आप ज़रूर गाते नहीं हैं गाते होते तो इतनी दिक्कत से ऐसे गाते नहीं रह सकते आज रागों का बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है इस वजह से कि ये प्रहर के हिसाब से जो रागों का सिलसिला यहाँ पे बना गया है उसके लिए सबके राग पहले से इतने पहले से शायद हमने अपने राग कभी डिसाइड नहीं किए थे हमको कई दिन पहले से राग डिस्कस करके डिसाइड किए थे तो आज राग बदलने का मौका नहीं है क्योंकि बिहार हो चुका है और उसके बाद केदार मतलब समय पर वापस जाने जैसा होगा और उसके बाद के कलाकार जो बजाएंगे उसका भी सिलसिला थोड़ा टूट जाएगा तो आज जोक सुनाते हैं केदार के लिए मैं वापस आऊँगी आप सबसे इजाज़त
I did.
Thank you.
Thank you.
Mama,
Thank you.
वहाँ से जो आती है वो चली आती है आपके सामने और फिर से रियाज करने करने की कोशिश करूँगी। Thank you.